नमस्कार। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर हम 11वीं के छात्र छात्राएं आप सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने आए हैं। तो कुछ हफ्ते पहले ही हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में एक आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा, जिसे कहते हैं ह्यूमैनिज्म। इसके अनुसार हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ टैलेंट जरूर होता है, जिसे निखारने की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे ह्यूमैनिज्म और केवीएस फाउंडेशन का क्या रिलेशन है। समझने की बात है, अगर इंसान के अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को बाहर लाने की भी जरूरत है, उसे समझने की भी जरूरत है। यही नहीं कि आप उसे अपने तक ही सीमित रखें, उसे और तराशने की भी जरूरत है। थैंक यू। क्या बात है। स्टिल कंफ्यूज, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो एक्टिंग, स्पोर्ट्स, इन सारी एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा कच्चा है, तो उसका इंडिया में क्या फ्यूचर है? शायद वो सोसाइटी और पेरेंट्स के ताने खा खाकर कुछ ना कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड एंड मनीष पांडे, अ फेमस क्रिकेटर, ऐसे लोग ना होते। जी हाँ, ये सारे केवीएस ही थे। मैं जानता हूँ आप सबको इस विद्यालय से लेके कोई ना कोई शिकायतें जरूर होंगी, लेकिन आज हम यहाँ पर आपको यह समझाने आए हैं, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन हमें अवसर प्रदान करता है वह दूसरे विद्यालयों के मुकाबले कितने ज्यादा होते हैं, लेकिन इन अवसरों से लाभ उठाना यह हम पे निर्भर करता है। जैसे कभी कभी हम अपने दोस्तों के कारण या दोस्तों के दबाव में आकर उन अवसरों का लाभ नहीं उठाते, या कभी कभी हमें खुद को ही नहीं पता होता कि इन अवसरों से हमें लाभ उठाना है या नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या इन सब कारणों की वजह से हम विद्यालय को दोष देना उचित होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अवसर हमें विद्यालय प्रदान करता है सीसीए के और स्पोर्ट्स के अंतर्गत, वे सब हमारे लिए ही तो होते हैं ताकि विद्यार्थी उनमें बढ़ चढ़कर भाग लें और आगे बढ़ें। और हमारे इस आगे बढ़ने में केंद्रीय विद्यालय का बहुत बड़ा सहयोग है। हाँ, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। आफ्टर ऑल, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। But the final thing is that instead of complaining about the tiny insignificant things, you learn to make the best out of the opportunity this Vidyalaya has been giving us all these years. And we all should be proud to be a KVS. Thank you. Thank you.